आज बड़ा सौभाग्यशाली दिन है कि हमें शिक्षकों का आशीर्वाद लेने का मौका मिला है और हमारे गुरुजन जो हम यहाँ बच्चों की तरह आगे बैठ के पढ़ते थे वो गुरुजी आज हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। इससे बड़ा हमारे लिए कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। शिक्षा के क्षेत्र में जो इस स्कूल में हमें जो दिया है उसका हम ऋण नहीं चुका पाएंगे। मेरे अंकल जी बलवीर सिंह जी बेनीवाल जो रिटायर्ड हेडमास्टर हमारे बीच में बैठे हैं और मैंने 8 महीने तक यहाँ शिक्षा प्राप्त करके पॉलिटिकल साइंस में एमए की और समाज सुधार के क्षेत्र में एक कोशिश कर रहा हूँ कि हर किसी के काम आ सकूं। और मेरे से छोटा भाई डॉक्टर धर्मवीर बेनीवाल को PhD करके आज प्रोफेसर के पद पे हैं। मैं सभी गांव वालों से मेरे साथियों से ये निवेदन करूंगा जो इस स्कूल में पढ़ के जो मुकाम हासिल किया है वो थोड़ा थोड़ा स्कूल की तरफ सोचे तो हम इस विद्यालय को और आगे तक ले जा सकते हैं। पिछली बार जब हमारे प्रिंसिपल आदरणीय कुलविंदर सिंह जी ने हमें एक बड़ा जुम्मा सौंपा था कि हमारे जो आप पढ़ते थे बिल्डिंग लो पूरे पूरे डिमेज हो चुके हैं उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो हमने गांव वालों से प्रयास किया और एक स्कीम का पता किया। तो स्कीम थी 60-40 की, 40,000 रुपए परिजना पाएंगे तो 60,000 रुपए गवर्नमेंट दे देगी तो 40,000 का लाख रुपए बन जाएगा। उस स्कीम के तहत आदरणीय नरेंद्र सिंह जी सीटू से शुरुआत हुई, उन्होंने 1,00,000 रुपए दिए और हमारे मामा साहब ने उसमें बढ़ चढ़ कर योगदान दिया और हमने 3 कमरे जनसेवक से उगाए, 2 कमरे MP साहब से लिए और 2 कमरे MLA साहब से लिए और हमारी बिल्डिंग है जो आज आपको दिखाई दे रही है वो अभी कुछ कम पड़ रही है। बाद हमारी सुबह चर्चा हुई, हमारे प्रिंसिपल साहब ने हमें बताया हमें कुछ और चीजों की आवश्यकता है, 30x50 का एक हॉल चाहिए, हमें 10 लाख के इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे प्रयोगशाला के लिए, उनके लिए प्रयोगशाला चाहिए, CCTV LED इन्वेटर कार्यालय रूम रूम गेम का सामान रखने के लिए एक रूम। अभी तक हमारे काफी कक्षा कक्ष है और जो कमरे उनकी कमी है उनको दूर करने के लिए मैं भामा साहब से पुनर्निवेदन करता हूँ कि वो एक ऐसा आयोजन और करें जिससे अपने जैसे कमरे बनाए, एक थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो अपने आगे उसकी बिल्डिंग को वहां तक ले जाएंगे रोड तक। तो आप है इसमें सहयोग करो और मैं आपको एक और कहना चाहूंगा कि हमारे अपने गांव की पंचायत में 3 MBA का स्कूल है, वो हमारा कॉलिंग बूथ भी है, यहाँ MPMLA का कॉलिंग बूथ भी बना हुआ है। उस विद्यालय में हमारे 32 बच्चे रह गए थे और हमारे बाबा साहब के द्वारा नाथवाड़ा से जीप ला के आज उस स्कूल में 92 बच्चे हैं, उसकी हम सेवा कर रहे हैं, आप बाबा साहब के द्वारा उसको चलाया जा रहा है और उसमें जो हमारा स्टाफ है वो भी अपनी सैलरी से कुछ हिस्सा देके उस स्कूल को मेंटेन रखे हुए हैं।